हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे, जिसमें हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को स्टिल एंड तक देखते हैं, समझते हैं, तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग, डेफिनेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन वीडियो में मैंने जिन वर्ड्स का यूज़ किया हूँ और जिन टर्म्स का यूज़ किया हूँ, बहुत ही इजी है, ये आपको किसी बुक में शायद ही मिले। तो इस वीडियो को आप बिना मिस किए स्टिल एंड तक देखिए, आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो बिना आपका समय लिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ऑडिटिंग शब्द बना है ऑडिट से। ऑडिट का मीन्स होता है, जो हमारे लैटिन वर्ड्स ऑडिटर से बना है, उसका मीनिंग होता है डिस्कवर द फोर्स इन रिकॉर्ड्स, कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन्स किए जाते हैं उनको डिस्क्लोज करना, डिस्कवर करना ऑडिटर कहलाता है। मीन्स इसी को हम ऑडिट बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट, ऑडिट का कॉन्सेप्ट रखने का श्रेय दिया जाता है लुका पैसिलियो को, जिसे हम लुकास पैसिलियो इटली के निवासी थे, जिन्होंने 1994 में डबल एंट्री सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट रखे थे बुक कीपिंग में। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक और मेंशन किया था, एक कॉन्सेप्ट मेंशन किया था, जिसने हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। इसी से जो ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट इन्वेंट हुआ था। इसलिए अगर कभी कोई आपसे पूछे कि ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंशन किया था या किन्होंने रखा था, तो आप बेझिझक उनका नाम ले लीजिए, लुकास पैसिलियो, इन्होंने वो कॉन्सेप्ट रखा था। बट उस समय क्या था, ओनली कैश बुक को मेंटेन किया जाता था। जैसे कि हम अभी बहुत सारे बुक्स मेंटेन करते हैं, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, और बहुत सारी बुक्स को हम मेंटेन करते हैं। बट उस समय ओनली एक ही चीज़ को इम्पोर्टेंट दिया था जाता था, वो थी हमारी कैश बुक। मीन्स उस समय क्या था, वो ट्रेड छोटे होने के वजह से उनको कैश बुक ही मेंटेन करना पड़ता था। तो उस समय दोस्तों, जब 1494 में ये कॉन्सेप्ट रखा गया था, आप सोच सकते हो उस समय एक प्रोप्राइटर के पास, एक सोल ट्रेडर्स के पास, किसी पार्टनरशिप के पास लिमिटेड कैपिटल थी। लिमिटेड कैपिटल के साथ वो बिजनेस करते थे, इसलिए उनको ओनली अपने कैश बुक को ऑडिट कराना पड़ता था। और ये क्या होता था, इसे ऑडिट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो बिजनेस का ऑनर था वही अपने बुक्स को ऑडिट कर लेता था कि मैंने कौन सी गलतियाँ की है या कौन सी गलतियाँ नहीं की है। यही सभी बातों को आपके डिस्प्ले में हो रहे हैं, पैरा नंबर 1 में लिखा गया है। बट जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद हर बिजनेस सेक्टर में ऐसा इन्फ्लेशन की कंडीशन आई कि बिजनेस के नए नए फॉर्म्स बनने लगे। जैसे कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी में भी बहुत सारी टाइप्स हो गए, कंपनी में पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऐसे बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आने लगे। तो जब बिजनेस एक्सपांड हुआ तो उस समय ऑडिट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। तो उस समय बुक को ऑडिट करने के लिए एक सेपरेट पर्सन को अपॉइंट किया जाने लगा, जो अभी भी चालू है। जैसे आप सभी को पता होगा कि एक ऑडिट करने का काम सीए करता है, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आईसीआई मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से पास आउट हो और उसे एक सर्टिफिकेट हो कि वो ऑडिट कर सकता है वो पर्सन। ये आपके पैरा नंबर 2 में लिखा है। और जो रीज़न मैंने आपको पहले बताया था कि 18th सेंचुरी में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसकी वजह से बिजनेस के फॉर्म में चेंजेस आ गए और ऑडिटिंग करना अब कंपलसरी हो गया। तो ये था उसका मीनिंग। आई होप सो आपको इसका मीनिंग और ब्रीफ में हिस्ट्री भी समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग की। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ऑडिटिंग का डेफिनेशन ठीक से समझ में ही नहीं आता, या फिर क्या होता है ये पता ही नहीं होता। तो उन लोगों को तो इन डेफिनेशन को रट लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, जो हमारा प्रीवियस कंपनी एक्ट है, इसके हिसाब से क्या होती है वो लिखा है।
द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग बिकम अ कंपल्सरी, ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, कंपल्सरी है। इट इज़ टू सेफ गार्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर के जो हित होते हैं इंटरेस्ट के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है। एट प्रेजेंट ऑडिटिंग इज अ मेड फॉर ऑल वाउचर रिसीव्ड जनरल लेजर्स ETC ड्यूज द बेसिस पर्पज ऑफ ऑडिटिंग टू बी डिस्क्लोज द फ्रॉड ऑफ एनी रिकॉर्ड्स एट एनी स्टेज। अगर किसी भी समय कोई भी किसी भी स्टेज के ऊपर कोई फ्रॉड होता है तो हम उसे ऑडिटिंग से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है एनी स्टेजेस कि बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता होगा कि ऑडिटिंग का शॉर्ट मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना। मींस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मींस हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, उसे चेक करना। तो इनको बनाने के लिए हमको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन से हम जनरल एंट्रीज बनाएंगे, जनरल एंट्रीज से हम लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसमें हम अपने एडजस्टमेंट डालेंगे, एडजस्टमेंट के साथ अपनी फाइनल अकाउंट को मेंटेन करेंगे। ये क्या होता है, स्टेज बाय स्टेज होते जाता है। तो ऑडिटिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक हर चीज का ऑडिट किया जाता है। अगर आपने जनरल एंट्रीज बनाई है तो वो ठीक बनाने का उसका प्रूफ क्या है, आपका वाउचर्स का, ये सभी चीजें ऑडिट में चेक की जाती है। तो ये थी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से इसकी डेफिनेशन। बहुत ईजी है, आप इसे जल्दी ही लर्न कर सकते हैं। सेकेंड है ऑडिटिंग का डेफिनेशन जो डॉक्टर बावन करें इन्होंने दिया है और बहुत इजी भी दिया है। लिखा है द टर्म ऑफ ऑडिटिंग डिनोटेड द टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजिंग फ्रॉड्स, कि टेस्टिंग करना किसकी, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, मीन्स हमारे रिकॉर्ड्स के मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रखा जा रहा है जो एक फर्म या एक कंपनी या फिर या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उनको टेस्ट करना, उनके एक्यूरेसी को टेस्ट करना कि वो जो सही है या गलत है, और जो फ्रॉड्स हो रहे, जो फ्रॉड्स हुए हैं उनको डिस्क्लोज करना। बहुत ही आसान डेफिनेशन बनाई गई है और बहुत ईजी है और बहुत हद तक सही भी है। आई होप सो अब आपको इसका मीनिंग डेफिनेशन दोनों समझ में आ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग के बारे में कि ऑडिटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। तो फर्स्ट है ऑडिट हेल्प्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स रेगुलरली। तो इसमें क्या होता है, जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और ऑडिट की वजह से क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पे चेक होते हैं। जैसे कि अगर आपने पहले पढ़े होंगे कि ऑडिट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूअस टाइप्स एक था, तो अगर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अगर रेगुलरली चेक करें या फिर उनको ऑडिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे चेक करना पड़ेगा। तो ऑडिट से एक हेल्प हो जाती है कि हम अपने बनाए गए मेंटेन किए गए अकाउंट्स को रेगुलरली चेक कर सकते हैं, जो आपके डिस्प्ले में लिखा है। नेक्स्ट है ऑडिट हेल्प्स टू गेट द कंपनसेशन। कंपनसेशन से एक वर्ड याद आना चाहिए दोस्तों, कि कोई ना कोई चीज़ को डैमेज हुआ या फिर कोई लॉस हुआ है, देखते हैं इसमें क्या मीनिंग निकल के आता है। इफ़ देयर एनी लॉस इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड द कंपनसेशन ऑन द डैमेज ऑफ ऑडिटर स्टेटमेंट वैल्यूएशन मेड बाय द ऑडिटर, सो इट्स हेल्प टू गेट द कंपनसेशन। अगर किसी कंपनी की प्रॉपर्टी को या फिर किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी को अगर कोई डैमेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के रिकॉर्ड के हिसाब से हम कंपनसेशन ले सकते हैं। किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कंपनसेशन हम इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं। तो हमारे ऑडिट हेल्प करता है कि हमारे को कोई लॉस हो जाए तो उस समय हमको कंपनसेशन मिल जाए। नेक्स्ट है ऑडिट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, कि जो ऑडिट होता है वो डिक्टेट करने का काम करता है कि कौन कौन से प्रिवेंस हुए, फ्रॉड्स हुए या एरर्स हुए हैं हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते समय। इन सभी बातों को बताने का काम कौन करता है, हमारा ऑडिट करता है। एन ऑडिटर मेन ड्यूटी इज टू बी डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, प्रिवेंटिंग सच एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड टेकिंग केयर टू अवॉइड सच फ्रॉड्स ड्यूज इवन थॉट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट टू ऑडिट दे
मेक ऑडिट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे कि लिखा गया है कि एक ऑडिटर का काम ही होता है, मेनली ड्यूटी ही होती है कि उन बुक्स में डिक्टेट करना कौन सी चीज़ों को एरर्स और फ्रॉड जो उस बुक में या फिर उस रिकॉर्ड्स में मेंशन किए गए हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे छुपाया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है, उनको देख के उस फॉर्म को बताना। तो ये काम कौन करता है? ऑडिटर करता है। मींस इसका एक एडवांटेज क्या हो जाता है? ऑडिट इज हेल्प टू डिक्टेट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। आई होप सो ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं। तो हम आगे के पॉइंट के ऊपर जाते हैं। ऑडिट हेल्प्स टू ऑब्टेन लोन। अब बोलोगे आप लोन लेने में और ऑडिट में क्या कनेक्शन है, तो पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको। स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ लोन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट स्टेटमेंट। सिंपल लिखा है, जो हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, मीन जो हमको लोन प्रोवाइड करते हैं, लाइक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बैंक, बैंक हमको सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करती है, तो हमारे ऑडिट स्टेटमेंट को देख के हमको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मीन्स हमारे जो ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, ऑडिट करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या हेल्प हो रही है हमको? लोन को ऑब्टेन करने में क्या हो रही है? सिंप्लिसिटी आ रही है, इजी वे में हमको लोन मिल जाता है। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑब्टेन लोन कंसिडरिंग द ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का आप ऑडिट का जो भी स्टेटमेंट्स है बैंक को दिखा दीजिए, वो आपको इजीली लोन प्रोवाइड कर देंगी। ये थी इसकी इंफॉर्मेशन। आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है, ऑडिट फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ बिजनेस। ऑडिट फैसिलिटेट करता है किसके लिए? अगर आप बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, जैसे आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि अगर कोई बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर कोई बिजनेस चाहता है कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के किसी को अपना बिजनेस बेच दूँ, तो इस सिचुएशन में ऑडिट हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है पढ़ के समझ लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज मेड बाय द ऑडिटर। असेट्स को वैल्यूड करने का काम कौन करता है? ऑडिटर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज बिजनेसमैन कैन बी सेल हिज बिजनेस। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप सभी को पता होगा, किसी भी बिजनेस में जब उसको बेचने की तैयारी की जाती है, तो उस समय उसके असेट्स का वैल्यूएशन और उसके लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन किया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि उस बिजनेस के एग्जैक्ट वैल्यू किस प्राइस पे वो बेचा जाए, इसकी हमको सही सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मीन्स ऑडिट फैसिलेट करता है अपने बिजनेस को सेल करते समय। नेक्स्ट है, ऑडिट फैसिलेट टू कंपेयर, कि कंपेयर करने में ऑडिट हमको फैसिलेट करता है। इन ऑडिटर इंस्ट्रक्शन एन अकाउंटेंट इन द सेम वे विच हेल्प्स टू कंपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ करंट ईयर विद द अकॉर्डिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। कि हमने जो प्रीवियस ईयर में अकाउंट मेंशन किए गए हैं या बनाए गए हैं, उनमें और इस करंट ईयर में क्या डिफरेंस पाया गया है। जैसे कि आपको लास्ट ईयर में प्रॉफिट 50,000 का हुआ होगा, इस समय होगा आपको 40,000 का करंट ईयर में, तो ये ऑडिटिंग की वजह से पता चला था ना कि वो 50,000 का प्रॉफिट सही है। इस साल भी वही पता चला ना कि ऑडिटिंग की वजह से आपका इस साल का प्रॉफिट कितना है, 40,000 है। तो मीन्स इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो ना कि इस साल 10,000 का प्रॉफिट कम हुआ है। तो मीन्स ऑडिट हमको कंपेयर करने में हेल्प करता है, और उस साल में कौन कौन सी गलतियाँ हुई थी, एरर्स हुए थे, कौन कौन से फ्रॉड्स हुए थे, उनको डिक्टेट करने का काम भी ऑडिट करता है। तो ये थे इसके एडवांटेज। आई होप सो आपको इसके एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे। तो इसके कुछ और एडवांटेज को देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, मीन्स नेक्स्ट है, ऑडिट हेल्प्स टू एसेस टैक्स। किसी भी बिजनेस में टैक्स को कैलकुलेशन करना बहुत लेंदी काम होता है, मीन्स परेशानी का काम होता है, पर ऑडिट इसे आसान कर देता है। अगर हम चाहते टैक्स को पे करना, तो हम ऑडिट स्टेटमेंट के हिसाब से, जो ऑडिटर ने ऑडिट का स्टेटमेंट बनाया, उसके बेसिस पे हम अपने टैक्सेस को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑडिट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। ऑडिट के समय मेनली एक ही काम किया जाता है, उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को देखना। अगर ऑडिटिंग से ये काम किया जाता है, तो आप मान सकते हो ना कि उससे हमको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस बिजनेस फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट है, ऑडिट हेल्प्स टू प्रिपेयर फ्यूचर प्लान। ऑडिट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि वो हमको
फ्यूचर में होने वाले प्लान के लिए प्रिपरेश कर देता है कि हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि आगे हमको फ्यूचर प्लान क्या बनाना है। जैसे लिखा है आपकी इसमें, दो लाइन लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि ऑडिटर स्टेटमेंट से हमको ट्रू और सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे कि हम आगे में आने वाली फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करके उनके ऊपर वर्क आउट कर सकते हैं। तो लास्ट है इसमें, ऑडिट हेल्प्स टू इंक्रीज गुडविल। अच्छी बात है, गुडविल को इंक्रीज करने में ऑडिट हेल्प करता है। आप बोलोगे आप कैसे, तो ऑडिट में क्या होता है कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को या उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को पब्लिक में रखा जाता है। जैसे कि आप सभी ने सुने होंगे कि हर कंपनी को या पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स को पब्लिश कराना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स के आगे या फिर अपने शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स इन सभी के आगे। तो उस समय क्या होता है, या पब्लिक के सामने उस समय क्या होता है, उनकी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन अदर पब्लिक को मिल जाती है। तो मींस उस समय उस कंपनी की गुडविल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनको पता है जो पब्लिक है कि हाँ ये जो ऑडिटेड स्टेटमेंट है इसमें हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एक सीए ने एक ऑडिटर बन के उसको चेक किया है। तो ये थे इसके बहुत सारे एडवांटेज जो हमने अभी देखे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। जैसे कि हर एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल, वैसे ही ऑडिट के भी अच्छी एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज है, पर एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कम है, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसलिए थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, उसके लिए सॉरी। तो है फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट से फ्रॉड होने की उम्मीद की जा सकती है। हम जो ऑडिट स्टेटमेंट बनाते हैं किस बेसिस पे बनाते हैं, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। अगर उन रिकॉर्ड्स में ही गलतियां हो जो उसके मैनेजमेंट ने की हो, तो क्या हो सकता है जो मैं ऑडिट करूंगा वो सही होगा क्या, नहीं होगा। तो मीन्स इसमें मैनेजमेंट के फ्रॉड करने की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है रॉन्ग सर्टिफाइड, कि रॉन्ग सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। ऑडिट टिंग इज द बेस्ड ऑन मेनी सर्टिफाइड टेकन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन। ऑडिटिंग में फेल टू प्रोवाइड द डिजायर्ड रिजल्ट वेन सर्टिफाइड प्रोवाइड्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन। कि एक ऑडिट करते समय बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमको किससे मिलती है, मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट में ही उसने कुछ फ्रॉड करके दिया है, उन्होंने रॉन्ग सर्टिफिकेट या कोई ऐसी सर्टिफिकेट दी है जो वैलिड ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो ऑडिट किया जाएगा उसको फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मिसलीडिंग क्लेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो क्लेरिफिकेशन होता है वो कभी कभी सही नहीं होता, मिस गलत हो जाता है। ऑडिटिंग फेल्स टू डिस्क्लोज द करेक्ट इंफॉर्मेशन, द मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड द करेक्ट क्लेरिफिकेशन, द ऑडिटर इज बाउंडेड टू प्रेजेंट हिज रिपोर्ट इवन द क्लेरिफिकेशन इज नॉट ट्रू। ऑडिटर को तो एक ही काम होता है कि उस ऑडिट कंपनी क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट स्टेटमेंट को बनाए, वो नहीं देखता कि जिसे उसे क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो इस वजह से जो ऑडिटिंग से जो स्टेटमेंट डिस्क्लोज होते हैं वो गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है नो ट्रू पिक्चर, कि हम इसकी सही पिक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर हमको गलत इंफॉर्मेशन मिली है तो हम गलत ही ऑडिट स्टेटमेंट बनाएंगे, या फिर जो बनाएंगे ऑडिट स्टेटमेंट वो गलत होगा। तो ये हो सकता है नो करेक्ट व्यू, कि इसमें जो व्यू होता है वो करेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें लिमिटेशन होती है, कुछ ऐसे फिगर्स आ जाती है अकाउंटिंग फिगर्स जो फैक्ट नहीं होते, सही नहीं होते, बट ऑन रिकॉर्ड सही माने जाते हैं। उसकी वजह से ऑडिटिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ऑडिटिंग फेल हो सकती है। नेक्स्ट है नो सजेशन, इसमें कोई सजेशन नहीं मिलता। ऑडिटिंग इज़ नॉट कंसर्न विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज, ऑडिटिंग मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ कंसर्न नहीं करती, बातचीत नहीं करती कि ऑडिट कैसे किया जाए या कैसे होता है, उसको कुछ लेना देना नहीं, तो ऑडिटर आके अपना काम कर जाता है। द ऑडिटर कैन नॉट बी गाइड टू मैनेजमेंट फॉर बेटर यूज ऑफ कैपिटल, ये नहीं बताएंगे ऑडिटर कि आपको कैपिटल किस सेक्टर में लगानी है, किस सेक्टर में लगाऊंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ये सभी चीज़ के बारे में ऑडिटर कुछ नहीं बताता। वो तो अपना एक ही काम करता है, हम आए हैं ऑडिट करने तो हम जाएंगे ऑडिट करके ही, तो इसमें कोई सजेशन नहीं मिलता। और लास्ट है हाई कॉस्ट, ऑब्वियस सी बात है, एक ऑडिटर है, सीए कंप्लीट करके आया है, तो
तो उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे कॉस्ट भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, इसलिए ये हाई कॉस्टली होता है। अगर हम किसी सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटिंग का काम कराते हैं तो अच्छी खासी फीस ले सकता है, जो आपके डिस्प्ले में है, इस पॉइंट में लिखा गया है। आई होप सो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आप मेरी नेक्स्ट वीडियो प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट की, ऑडिटिंग को कौन कौन से प्रिंसिपल गवर्न करते हैं या फिर ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके बारे में देखना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए। आपके कोई क्वेश्चन होंगे उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर ये वीडियो आपको कैसे लगी वो लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँच सके। और जाते जाते एक काम दोस्तों, चैनल जब वीडियो देख पा रहे होंगे आप, तो उसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला सिंबल लिख रहा होगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसके बाद जो बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सीधा आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।